Good afternoon, dear student. Dear student, up to now we have discussed about resistance and the factors affecting the value of resistance. कि हम रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. हमने कहा था कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट का अपोज करता है. रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है फैक्टर पे वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जहां हमारे पास दो या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे और उनको हम कनेक्ट कराएंगे आपस में. अब किस तरह से हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को वो हम देखेंगे. सो टॉपिक का हमारा नाम रहेगा आज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. यहां रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टेंस को कनेक्ट दो तरीके से करा सकते हैं. मतलब आपस में रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करा सकते हैं दो तरीके से हम कनेक्ट करा सकते हैं. एक तरीके का एक कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन. दूसरे का नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब कब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलेंगे कब हम पैरेलल में बोलेंगे वो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं. सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या सीरीज कॉम्बिनेशन. रेजिस्टेंस आर सेड टू बी रेजिस्टेंसेस आर said to be connected in series when same current flow through each resistance. अगर हर resistance से same current flow हो रहा है तो हम वहां नाम देंगे कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. सो व्हेन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस और ईच रजिस्टर देन वी कॉल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसका मतलब रेजिस्टेंस जो आपस में कनेक्ट है उनमें करंट तो सेम फ्लो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा. सो रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट. तो वहां हम नाम देंगे कि रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट हैं. देखिए कैसे. मान लीजिए कि हमने यहां ये एक रेजिस्टेंस ले लिया है R1, दूसरा एक रेजिस्टेंस ले लिया है R2, तीसरा एक रेजिस्टेंस ले लिया है R3. आप कितने भी ले सकते हैं, हम तीन रेजिस्टेंस लेते हैं. अब तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कराया एक बैटरी से और ये हमारे पास एक सेल या एक बैटरी आ गई है. V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड कराएगी. मतलब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना. जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सर्किट में तो वहां उस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा. ये भी लेकिन कंडीशन है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बैटरी लगा दें और सर्किट क्लोज नहीं है तो वहां करंट फ्लो नहीं होगा. लेकिन यहां हमने बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, साथ में सर्किट क्लोज भी है, तो सर्किट क्लोज होने के कारण इसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा. अब करंट फ्लो होगा कहां से कहां तक?
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। इसका मतलब करंट निकलेगा यहां से, मान लो आई करंट फ्लो हुआ, और एंटर करेगा यहां से। अब करंट जितना एग्जिट कर रहा है उतना ही एंटर भी करेगा, तो आई एग्जिट किया, आई ही एंटर करेगा सेल के अंदर। यहां करंट कितना होगा? आई ही होगा। अब करंट इस रेजिस्टेंस में अगर आई एंटर कर रहा है तो एग्जिट भी आई ही करेगा। इस रेजिस्टेंस में फिर करंट आई एंटर किया तो एग्जिट भी यहां से आई ही करेगा, और यहां अगर एंटर आई किया तो यहां से एग्जिट भी आई ही करेगा। इसका मतलब यहां आप देखिए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो सेम है, लेकिन ओम्स लॉ ये कहता है V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे फर्स्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट है I, लेकिन उसकी वैल्यू है R1। अब अगर यहां पे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था और उसमें I करंट है, R1 रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगी V1 नाम दे दीजिए। सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट तो सेम रहा, मतलब पहले भी आई था अब भी आई है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 से चेंज होके R2 हो गया है, तो क्या V1 चेंज नहीं होगा R2 चेंज होने से? यहां इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, और सपोज कर लो उसका नाम दिया V2। सिमिलरली थर्ड रेजिस्टेंस में करंट आई था लेकिन खुद रेजिस्टेंस बदल गया है, R2 से हो गया R3। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगी ही होगी। आप देखिए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 आया और उसकी वैल्यू है आई आर वन। सेकेंड के अक्रॉस V2 और इसकी वैल्यू है आई आर टू। थर्ड की है V3 और इसकी वैल्यू है आई आर थ्री। अब आप देख लीजिए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने करंट बता दिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया। अगर आपसे आगे न्यूमेरिकल्स में यह पूछ लिया जाए कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आपको ऐसे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएंगे। सो यहां इस कंबिनेशन में आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस अलग अलग, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कराया था? V। अगर यहां V प्रोवाइड करा रहा है तो भाई इन तीनों के अक्रॉस रहेगा तो V वोल्ट ही, V से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, V से कम भी नहीं हो सकता है, तीनों के अक्रॉस V ही रहेगा। जैसे ये कुछ ऐसी चीज है कि मान लो किसी बच्चे को हमने 100 रुपए दिए, सो 100 रुपए दिए और उसने तीन चीजें खरीद ली, तो उन तीनों का रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल तो 100 रुपए ही होगा, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर उसने 100 के 100 रुपए की चीज खरीद ली है तो 100 से कम भी नहीं हो सकता। उन तीनों चीजों का जो अमाउंट होगा वो एग्जैक्टली 100 के बराबर ही होगा। यहां भी V वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, इनके अक्रॉस भले ही अलग अलग रहा हो लेकिन तीनों का सम रहेगा V के बराबर ही, तो यहां टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले वाले ने V1 लिया, दूसरे ने V2, थर्ड ने V3। V1 की वैल्यू कितनी? IR1, IR1। V2 की वैल्यू IR2। V3 की वैल्यू IR3, और ये V के बराबर। अब ये जो V आया है ये V बराबर है, क्या इस V को हम ये नहीं लिख सकते टोटल करंट? यहां से आप देखिए V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I R1
प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हमने लिखा। आई से आई खत्म हो गया, कैंसिल आउट हुआ, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब अभी आपको ये तीन रेजिस्टेंस थे, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे। अब आपसे कहा जाए कि तीनों रेजिस्टेंस का टोटल अमाउंट बताइए, टोटल वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो आप कैसे निकाल पाएंगे इन तीनों का? उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए कि आप किस तरह से इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है और आपको टोटल निकालना है तो आप यह फॉर्मूला यूज करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मीन्स सिंपली आप उन सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड कर देंगे। रेजिस्टेंस में माइनस वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है, सिर्फ प्लस वैल्यूज मिलेंगी, आप उन सबको सिंपली ऐड करिए। तीन रेजिस्टेंस थे हमारे पास तो हमने तीन को ऐड कर दिया, चार होते तो चार को ऐड कर पाते, पांच होते तो पांच को ऐड कर देते। बस ये ध्यान रखिए कि आपको सीरीज में करंट सेम लेना है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लेना है। करंट सेम मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। यह चीज भी आप यूज करेंगे। आपको कैसे पता चला कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में? अब यह बात आती है, आप कहां से चलेंगे? आप देखिए, मान लो आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में चले, क्या इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच जाने के लिए आप यह रास्ता चूज करेंगे और इसी रास्ते में ये तीनों रेजिस्टेंस आएंगे कि नहीं? मान लो आप इस ए से चले और बी पे पहुंच गए हैं, इस ए से बी तक जाने में आपने ये रास्ता चूज किया, इस एक रास्ते में जितने रेजिस्टेंस होंगे वो सब के सब सीरीज में होंगे, ये आप ध्यान रखिए। इसका मतलब एक रास्ते में रहने वाले सब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। दूसरा, रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, एक ये एंड एक ये एंड। अगर रेजिस्टेंस के एंड्स आपस में कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ तो वहां हम नाम देंगे। देखिए, इस रेजिस्टेंस का ये एंड कनेक्ट है इसके फर्स्ट एंड से, इसका सेकंड एंड कनेक्ट है इसके फर्स्ट एंड से। आपस में एंड्स कनेक्ट हो तो हम नाम देंगे वहां सीरीज में, लेकिन केवल एक ही एंड कनेक्ट होना चाहिए। आप देखिए, इसका यही एंड कनेक्ट है इस R2 से, R2 का केवल ये एंड कनेक्ट है R3 से, दो एंड में से एक एंड आपस में कनेक्ट होना चाहिए तो हम उसका नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां जो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है, जो कि R इक्विवेलेंट हमने इसका नाम दे दिया है, मतलब इतना रेजिस्टेंस अगर मैं इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहूं तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो हमारे पास सेम करंट रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम कंडीशन रहेंगी। इसका मतलब हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया और उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने दी R इक्विवेलेंट। इस तरह से इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कंडीशन है। इस तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल पाएंगे। सेकंड आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा वो देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। पैरेलल में इससे अपोजिट आएगा, करंट डिफरेंट मिलेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। सो रेजिस्टेंस आर सेड टू बी, रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन
parallel when potential difference across each resistance is same, but current is different. करंट अलग अलग रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम उसका नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे, मान लो आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट कर दिया है, एक रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। इसका नाम R1 दे दीजिए, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। ये तीन रेजिस्टेंस हमने यहां कनेक्ट किए। तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कराया एक बैटरी से जिसने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया V। अब यहां से आप देखिए, इस सर्किट में जैसे ही हमने ये बैटरी लगाई, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो होगा। इस पॉइंट ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बनेगा, ये ए नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए बी। पहली तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट अलग अलग मिलेगा। देखिए करंट कैसे अलग अलग मिलेगा, ये आई करंट यहां पहुंचेगा और जैसे ही ये आई करंट यहां एंटर करेगा तो ये कंफर्म है कि एग्जिट भी आई ही करना चाहिए। अंदर कुछ भी हो लेकिन अगर एंटर आई किया है तो एग्जिट भी आई ही करेगा। अब ये करंट आई लेकिन यहां जाते ही, इस पॉइंट पे जाते ही उसके पास तीन रास्ते हैं, तो वो तीनों रास्तों पर से जाएगा। इसका मतलब ये जो करंट आई था वो कुछ इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से चला जाएगा और कुछ इसमें से जाएगा। तीनों में सेम तो नहीं जा सकता। अगर तीनों में सेम चला गया, आप ये सोचते हैं कि भाई इसमें से भी आई चला जाएगा, इसमें से भी आई चला जाएगा, इसमें से भी आई गया। बताइए यहां इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे भी आई जाएगा, फिर इस पॉइंट पे भी आई ही जाएगा, फिर इस बी पॉइंट पे आके तीनों मिलेंगे, कितना बनाएंगे, सम कर दीजिए, आई प्लस आई थ्री आई, एंटर कितना किया था आई। इसका मतलब तीनों में से करंट सेम नहीं जा सकता है, तो यहां करंट अलग अलग जाएगा। फर्स्ट में आई वन नाम दे दीजिए, सेकंड में आई टू और थर्ड में आई थ्री। हां ये कंफर्म है कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होगा आई के बराबर, आई से कम ज्यादा नहीं हो सकता है, यह बात कंफर्म है। अब ये करंट तो हमने बता दिया कि अलग अलग होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। भाई इस बैटरी ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया। V वोल्ट का मतलब यह है कि मान लो इस एंड पे उसने V वोल्ट रखा तो इस पे रखेगा जीरो। डिफरेंस करिए V माइनस जीरो, डिफरेंस करना है पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर डिफरेंस तो आपको करना आता ही है, अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा में से कम को करिए V माइनस जीरो। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस रहा, V वोल्ट का। आप मुझे बताइए इस पॉइंट के एक्रोस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये रेजिस्टेंस इसी पॉइंट से कनेक्ट नहीं है, तो R1 के एक्रोस भी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के एक्रोस भी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और R3 के एक्रोस भी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जब पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट अलग अलग रहेगा।
सो यहां पे अब इस I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या आएगी देखिए, और इन तीनों रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में हैं उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा अगर आपसे कहा जाए कि तीनों को हटाइए और एक लगाइए तो उस एक की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकाल पाएंगे? सीरीज में तो हमने बता दिया था कि R1 प्लस R2 3 कर देंगे, यहां कैसे करेंगे आप देखिए। I1 कितना आएगा, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ कहता है फ्रॉम ओम्स लॉ V equals to IR, I equals to V upon R, ये होगा। सो यहां पे ये जो टोटल करंट है इसके कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल भी टोटल आएगी और ये रेजिस्टेंस भी तीनों का टोटल ही बनेगा, तो हमने इसका नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। ये बात हो गई है। फर्स्ट रेजिस्टेंस में से करंट I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 इक्वल्स टू ओम्स लॉ से V अपॉन R, पर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहा लेकिन रेजिस्टेंस बन गया R1। सेकंड में से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा, रेजिस्टेंस बन गया R2। थर्ड में से V upon R3, टोटल है I की वैल्यू है V upon R equivalent इक्वल्स टू, इन तीनों की वैल्यू पुट करिए, V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3। ऊपर से V कॉमन आ रहा है इसको हटा दीजिए, V कॉमन आया तो V तो कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ से, हमारे पास बचेगा 1 upon R equivalent इक्वल्स टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। इसका मतलब जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप उन तीनों का कुछ इस तरह से सम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। सो ये हमारे पास पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला और ये हमारे पास सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला। यहां सीरीज को, पैरेलल और सीरीज को पहचानने के लिए तरीका मैंने कहा क्या बताया था, अगर हम एक रास्ते पे मूव कर रहे हैं उस रास्ते पे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो सीरीज में होंगे। अब यहां आप देखिए, मैंने ए से बी तक मूव किया था तो ए से बी तक एक ही रास्ता था और इस एक रास्ते में तीनों रेजिस्टेंस लाई किए तो ये सीरीज में कहलाए। इसमें आप आइए, ए से बी के बीच मूव करिए, ए से बी के बीच आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। ए से बी तक मूव करने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं, मतलब ए से बी तक आप अलग अलग रास्तों से मूव कर सकते हैं, अलग अलग पाथ से मूव कर सकते हैं। तो यहां अगर पाथ अलग अलग है तो आप समझेंगे कि वहां जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में है, अलग अलग पाथ पे लाई करने वाले रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो हम रास्ते से बता सकते हैं, दूसरा हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से बता सकते हैं। करंट अगर सेम मिला तो रेजिस्टेंस सीरीज में, करंट अगर डिफरेंट मिला तो रेजिस्टेंस पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस से भी बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट मिला तो सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिला तो रेजिस्टेंस पैरेलल में। सो आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से भी बता सकते हैं, आप पाथ से भी बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। यही तीनों चीजें हम यूज करेंगे जब भी रेजिस्टेंस नेटवर्क को सोल्व करेंगे, तब जब रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हम करेंगे तो हम यूज करेंगे कि किस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कंबिनेशन पहचान पाएंगे, इन्हीं चीजों का यूज करेंगे, तो इन्हें ध्यान रखिए। इसका मतलब अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक आर इक्विवेलेंट अगर लगाऊं, एक रेजिस्टेंस में यहां लगा दूं तो सेम कंडीशन रहेगी, आई करंट था, आई ही मूव करेगा, बस आर इक्विवेलेंट बनेगा हमारे पास
ये फॉर्मूले से, और यहां आर इक्विवेलेंट बना था इस फॉर्मूले से। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जो हमारे घरों में अप्लायंस होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में? हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट ना बोल के हम उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो हम रेजिस्टेंस ही समझेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, हम ये कहेंगे कि हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं। सो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो सीरीज में होते हैं या पैरेलल में? जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं आर कनेक्टेड इन पैरेलल, घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्यों हम पैरेलल में कनेक्ट रखते हैं सीरीज में क्यों नहीं? पहली आप इसकी डिसएडवांटेज देखिए, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सीरीज में आप देख रहे हैं कि करंट जो था सब में से सेम फ्लो होगा। इसका मतलब आप चाहे एक बल्ब को लगाएं, चाहे आप फ्रीज को लगाएं, या आप टीवी को लगाएं, सब में से अगर सीरीज में कनेक्ट है तो करंट सेम फ्लो होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तीनों को सेम करंट की जरूरत है? क्या बल्ब को भी उतने ही करंट की जरूरत है जितने फ्रीज को जरूरत है? इन तीनों अप्लायंस को अलग अलग इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत है, लेकिन सीरीज में तो हमें सेम करंट मिल रहा है, इसलिए हम इनको सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्ट रखेंगे। इसका मतलब पैरेलल में जितना करंट जिस अप्लायंस को चाहिए उतना करंट हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन सीरीज में हम नहीं करा सकते, सीरीज में तो सेम ही जाएगा। सो वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट करंट, वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट करंट डिफरेंट करंट टू डिफरेंट अप्लायंसेज। अलग अलग अप्लायंसेज को हम अलग अलग करंट प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकंड, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था तो ये सीरीज की डिसएडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज सीरीज पैरेलल की, और वो डिसएडवांटेज फिर बनेगी सीरीज की। सीरीज की सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, ये हम पैरेलल की एडवांटेज देख रहे हैं कि पैरेलल में क्या करेंगे। तो जो एडवांटेज पैरेलल की वो इसका मतलब सीरीज की डिसएडवांटेज है। तो सीरीज की डिसएडवांटेज क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने कनेक्ट किया, सर्किट क्लोज होना चाहिए तो ही काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगा। सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया। अब अगर ये खराब हो गया है तो यहां से ये ब्रेक हो गया है सर्किट, क्योंकि ये खराब हो गया तो करंट यहां से यहां तक जा ही नहीं पाएगा। करंट अगर यहां से यहां तक नहीं जा पाया तो इसमें से भी नहीं जा पाएगा, अगर इसमें से नहीं जा पाया तो इसमें से भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब एक कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब होने से ये दोनों भी नहीं चल पाएंगे। फिर ऐसे कंबिनेशन का फायदा क्या हुआ? अगर हमने सीरीज में हमारे घर में सब इक्विपमेंट कनेक्ट करा दिए और उनमें से बाई चांस एक खराब हो गया तो फिर वो कोई भी नहीं चल पाएंगे, सारे के सारे खराब ही रहेंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं हुआ फिर। सो ये डिसएडवांटेज थी सीरीज की। लेकिन पैरेलल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पैरेलल में अगर ये खराब हो गया तो होने दो, इसमें से तो अपना इंडिविजुअल करंट जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये खराब हो गया तो, ये चल रहे थे चलते ही रहेंगे। सो ये इसकी एडवांटेज हो गई है। इफ वन इंस्ट्रूमेंट इज डैमेज्ड
it will not affect others. It will not affect others. वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा अगर एक इक्विपमेंट खराब हो गया है तो. लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं था. सीरीज में अगर एक खराब हो गया है तो फिर सारे ही खराब होंगे, फिर वो चल नहीं पाएंगे. सो ये इसकी दूसरी एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और ये हम सेकंड डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं सीरीज की. सीरीज में ऐसी कंडीशन नहीं थी. थर्ड, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा तो करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वहां पे, क्योंकि करंट का अपोज तो रेजिस्टेंस ही करता है. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो अपोज ज्यादा होगा, तो जो सेल लगी हुई है उस सेल को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. लेकिन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम आती है. आप देखिए, सपोज कर लो ये R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, और R3 हमने मान लिया 3 ओम. इन तीनों को अगर आप सीरीज में जोड़ो तो सीरीज में जोड़ने पे R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम. ये तो बन गया सीरीज का. मैं S लिख देता हूं R सीरीज. R पैरेलल कैसे निकालोगे? 1 अपॉन R पैरेलल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3. 1 अपॉन RP, 6 एलसीएम, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 और 2 11 बटे 6. R पैरेलल 6 अपॉन 11. आप इसे देख लीजिए, R पैरेलल इज लेस देन R सीरीज. सीरीज का 6 ओम था, ये 6 बटे 6 अपॉन 11. तो ये तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस तो इस सीरीज से बहुत कम हुआ. रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो बैटरी को वर्क भी कम करना पड़ेगा, हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो हमें ये अच्छी एडवांटेज है कि हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो पैरेलल में, इन पैरेलल रेजिस्टेंस योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैं यहां लिख रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होता है तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हम घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको सीरीज में नहीं पैरेलल में रखते हैं. आपने शादियों में देखा होगा जो बल्ब लगाते हैं, जो लड़िया लगाते हैं लाइट की, उनमें से अगर एक खराब हो जाए तो फिर वो कोई भी काम नहीं करती हैं. फिर उनको लगाने वाला उसको घूम घूम के ढूंढता रहेगा कि कहां खराब हो गया है, कौन सा बल्ब खराब हो गया है. जब तक वो उसको ठीक नहीं करेगा बाकी बल्ब भी ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीरीज में है. तो सीरीज में होने के ये डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम इनको पैरेलल में रखते हैं. सो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा. इसमें प्रॉब्लम्स भी करेंगे रेजिस्टेंस पे कि किस तरह से हम सोल्व कर पाएंगे. आपको रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, कहेगा कि R इक्विवेलेंट निकालिए, मतलब इन सब को हटा के एक रखना है तो उस एक की वैल्यू कितनी आएगी. तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जब तक इसको अच्छे से करिए, ध्यान रखिए कि कहां सेम रहेगा करंट, कहां डिफरेंट रहेगा, और सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी ध्यान रखिए. सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.